जिला सोलन में कोरोना संक्रमण के चलते एचआरटीसी द्वारा बसों की सेवा नहीं दी जा रही है, जिसके चलते जिला वासियों को काफी असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। ये बात कांग्रेस नेता विनोद सुल्तानपुरी ने मीडिया के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि जिला में कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास आने जाने का माध्यम केवल सरकारी बसें हैं, लेकिन ये बसें आजकल नहीं चल रही हैं। ज्यादातर रूट एचआरटीसी द्वारा बंद कर दिए गए हैं। लोगों को आना जाना मुश्किल हो चला है, जिसके बारे में कई बार एचआरटीसी अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अधिक जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि जिला के विभिन्न गाँवों में सरकारी बसें इसलिए नहीं भेजी जा रही है क्योंकि उनको चलाने से एचआरटीसी को घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विभाग द्वारा ये बसें नियमित रूप से चलाई जाएंगी तो क्षेत्रवासियों को जहां एक और बस की सुविधा मिलेगी, वहीं धीरे धीरे सरकारी घाटा भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कई रूटों में बसें बंद होने की वजह से जहां एक और लोगों को कोरोना संक्रमण से जूझना पड़ रहा है, वहीं उन्हें सरकारी अव्यवस्था से भी दो चार होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। हमारे अभी जो कोरोना के समय में जो अभी हमारी समस्या आई, उसमें जो हमारी सरकारी बसें जो चल रही थी कुछ जगहों पे वो बंद कर दी गई, और आज जो हमारे प्राथा के दूर दराज के क्षेत्र हैं, चाहे नेरी कला हैं, चाहे वो प्राथा है, चाहे वो नारायणी है, इस जगहों पे अभी बस सुविधा अभी तक नहीं आई, और ये बड़ी दुखद बात है क्योंकि वहाँ के जो अधिकांश लोग हैं उनके पास अपनी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, और इस वजह से वहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है और बहुत समस्या आ रही है। और आप ये देखिए, जो हमारी कोट पंचायत है वहाँ तक हमारी पहले एक वाया धर्मपुर वो आती थी सोलन तक, वो बस भी बंद हो चुकी है। ये क्या कारण है, क्यों इसको सरकार अभी तक बहाल क्यों नहीं कर रही है, और वहाँ पर जो लोग हैं उनको बहुत उससे दिक्कतें आ रही हैं। अभी अभी मैं जब यहाँ आ रहा था, दो एक्सीडेंट्स रोड पे मुझे मिले हैं और वो कल रात को हुए हैं, और ये कारण ये है कि वहाँ पे जो जिस तरह से गलत वहाँ पे जो सड़क में काम हुआ है, उसमें जो मैंने बार बार ये कहा कि वहाँ पे आप क्रैश बैरियर्स लगाएं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड बन चुका है और वो एग्रीकल्चर रोड बन चुका है, जो छैला से गाड़ियाँ आ रही हैं उस पूरे रास्ते में उसमें दिक्कतें आती हैं, तो उसमें जो ये क्रैश बैरियर्स जो लगने चाहिए थे अभी तक नहीं लगे हैं, और उस वजह से आज सुबह सुबह ही दो एक्सीडेंट्स हुए हैं। अभी तो सेफ सीज़न शुरू होने को है, तो हमने बार बार ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी आग्रह किया है, अभी तक उसमें कोई उन्होंने सूद नहीं लिए। सरकार का कहना है कि जो घाटे के रूट्स हैं उसके ऊपर वो बसेस नहीं चलाएंगे। कुछ समय के लिए अगर ये बसेस चलेंगी और मतलब एक पूरा टाइम टेबल को फॉलो करेगी, तो मुझे लगता नहीं है कि वो घाटे के रास्ते रहेंगे, और सरकार उसमें निश्चित पैसे भी कमाएंगे, सुविधा भी मिलेगी।